रक्षा षष्ठी की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम दसवां पाठ कृषि का कर्मवीरा पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः, उच्चारणम उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतो जीर्णम शीतकाले अपि वारितुम ग्रीष्मे शस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटिकाः वृताः क्षुधा तृषः कुलौ। इस तरह इनका उच्चारण आपको करना है। सूर्यस्तपतु जीर्णम शीतकालेपि वारितुम ग्रीष्मे शस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटिकाः वृताः क्षुधा तृषः कुलौ। अगला प्रश्न है श्लोकांशान योजत, श्लोक के अंशों को जोड़ना। गृहं जीर्णं न वर्षाशु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्, इससे जुड़ गया। तो जिस पद से जो पद जुड़ रहा है उसको हमें जोड़ना है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सच्चे पूर्णानि सर्वदा धरित्री ही सरसा जाता या शुष्का कंटिका वृता। तो ये आपस में एक पद दूसरे पद से जुड़कर पूरी पंक्ति बन गई। अगला प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सही कथन है सही वाक्य उसके सामने आम यानी हाँ लिखें और अनुपयुक्त जो गलत है उनके सामने न अर्थात नहीं। जैसे कृषकः शीतकालेऽपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी के मौसम में भी कर्मठ होते हैं कार्यशील होते हैं। आम हाँ कृषिका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं अर्थात गलत, किसान तो हल से ही खेत जोतते हैं। अब हमें करना है कृषिका सर्वेभ्यो अन्नम यच्छन्ति, कृषिका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं सही वाक्य है। क्या लिखेंगे अहम। अगला है कृषकाणाम जीवनम कष्ट प्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता, ये वाक्य गलत है क्योंकि वह हमेशा कष्टपूर्ण कार्य ही करते हैं। कृषिकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, कृषिकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, किसान जो है खेतों को शस्य पूर्णानि फसलों से परिपूर्ण करते हैं। आम हाँ वो अपनी मेहनत करके खेत में फसल उगाते हैं और पूरी लहलाती है अर्थात सस्य पूर्ण फसलों से पूर्ण करते हैं खेतों, तो आम आएगा। सीते है शरीरे कंपनम न भवति, सीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होता कांपता नहीं आदमी, तो ये कथन गलत है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रमेण धरित्री ही सरसा होती, परिश्रम से धरती हरी भरी होती है, ये कथन सही है। परिश्रम करने से जो है पृथ्वी हरी भरी होती है। अगला प्रश्न है मंजूषात पर्याय वाचि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषात पर्याय वाचि पदानि चित्वा लिखत, पेटिका से पर्याय वाचि शब्दों को चुन करके लिखे। पेटिका में दिया हुआ रवि वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी पिपाशा, और नीचे जो है उनके सामने प्रत्येक शब्द के सामने उसका पर्यायवाची लिखना है जिससे पर्यायवाची अर्थात उसका समानार्थक शब्द। वसनानि यानी वस्त्र, वसन यानी वस्त्र, वस्त्राणि सूर्य रवि त्रिशः पिपाशा विपुलम अधिकम जीर्णम जर्जनम जर्जरम यानी पुराना धरित्री पृथ्वी धरती पृथ्वी। अगला प्रश्न है
मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। पेटिका से विलोम पद चुनकर लिखना है। पेटिका में धनिकम, निरसा, अक्षमम, दुखम, क्षीते, पार्श्व, ये शब्द दिए हुए हैं और सामने नीचे जो है शब्द है उनका विलोम यानी उल्टा शब्द लिखा, सुखम दुखम, सुख का उल्टा दुख, सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसाह नीरसा। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, कृषिकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं। कृषिकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और कुदाली से खेतों को जोतते हैं। दूसरा प्रश्न है, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, केषां कर्मवीरत्वं, किसका कर्मवीर नष्ट नहीं होता। कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसानों का कर्मवीर नष्ट नहीं होता, वो हमेशा कर्मशील रहते हैं, वो कार्य में लीन रहते हैं। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से कौन हरी भरी होती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती हरी भरी होती है। अगला प्रश्न है, कृषकः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, कृषकः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। कृषकः सर्वेभ्य साकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छति, कृषकः सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छति, किसान जो है सभी के लिए साक अन्न फल और दूध देता है। अगला प्रश्न, कृषिकात दूरे किम तिष्ठति, कृषिकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर कौन रहता है। कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है, यानी किसान को सुख की अनुभूति बहुत कम मिलती है, वो हमेशा कठिन कार्य करता रहता है, इसलिए वो दुखी दुख का अनुभव करता रहता है। अर्थात कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से दूर सुख रहता है। इस प्रकार ये आपका 10वां पाठ अभ्यास कार्य से पूर्ण हो गया है। आपको ये प्रश्न जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना है और याद भी करना है। धन्यवाद।